नमस्कार और आदाब। आज सनीचर है, मई की 2 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। सबसे पहला खबर आपको ये बता दें कि कॉरोस पेनिटेंशियरा अम्तनारन जो कैदियों को देखभाल करते हैं, ये सब सोमवार 27 तारीख अप्रैल से एक सिलडाउन अक्सी में है। 11 बजे तक लोग काम करते हैं। वैसे ये कहा गया था अब 29 तारीख अप्रैल से ये सब बिल्कुल काम नहीं करेंगे, लेकिन 29 तारीख बुध को बातचीत हुआ है और बातचीत करने के बाद ये सब फिर अपना काम शुरुआत किए हैं। ये कहा गया, इन लोगों से वादा किया गया है, इन लोगों का पैसा जिसके लिए लोग मांग किए हैं और जिसके लिए लोग ये हड़ताल कर रहे थे, इसमें है टीवी का ओवर ब्लोइंग स्तुलाह का, टीवी का नया लोन रिक्स का और ओवर बैरक फर खुदेंग, जो ये सब अपने स्लिप पर नहीं देखे है, लोन स्लिप पर नहीं देखे है, इसके लिए लोग आक्सी में थे। इन लोगों से बुध को वादा किया गया है ये पैसा इन लोगों को भरा जाएगा। ये कहा गया है कि 30 तारीख अप्रैल को ये पैसा इन लोगों को रेकनिंग पे स्टॉर्ट होता, लेकिन ये पेनिटेंशियर अम्तनारन की तरफ से कहा गया है कि मोहरत लोगों को दिया गया है सरकार को मई के 5 तारीख तक। अगर मई के 5 तारीख 12 बजे दिन में सभी का पैसा नहीं स्टॉर्ट होगा तो ये सब एक कंप्लीट लम लैकिंग के साथ आएगा, मतलब बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और खनी सात सिफान बर्स एंड बौद्ध हौदशेन सूरी नाम का पैनिंग मेस्टर मिर्का कल्लू कहते हैं ये सब भी हड़ताल करने वाले हैं आने वाले सोमवार से। ये सवाल किया गया है कि इस वक्त लॉकडाउन है, लोग काम नहीं करते हैं, बर्स या बौद्ध नहीं चलाते हैं, लेकिन कैसे ये अक्स रहेगा? तो उन्होंने कहा है कि सोमवार को ये सब दिखाएंगे किस तरह से ये सब अक्सी यानी हड़ताल करने वाले हैं। कल्लू कहते हैं कि कई बार लोग बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों के बात सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए लोग हड़ताल करने वाले हैं। इनकम्स दर्फिंग, इन लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, कोई आमदनी नहीं है क्योंकि ये सब काम नहीं करते हैं लॉकडाउन के वजह से, और इन लोगों के सुनने वाले कोई नहीं है। ये सब सोचे थे कि पूरा पैसा इन लोगों को मिलेगा मार्च महीना का, लेकिन ये पता चला है स्लिप से कि सिर्फ 9 दिन के वास्ते इन लोगों के पैसा भरा गया है, बाकी के दिन जब लोग काम नहीं किए हैं इन लोगों को पैसा इसके लिए नहीं मिला है। और इसमें इन लोगों के कोई गलती नहीं है, इन लोगों के कसूर नहीं है। सलार स्रो पर सिर्फ 9 दिन के लिए मार्च महीना का पैसा भरा गया है और ये सब सोच रहे हैं कि अप्रैल महीना के वास्ते इन लोगों को पैसा यानी तनख्वाह भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब काम नहीं किए हैं। ये यही डर है कि अप्रैल महीना का पैसा इन लोगों को नहीं मिलेगा। कल्लू कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बात नहीं होगा अगर पूरा महीना का पैसा इन लोगों को नहीं मिलेगा, ये कोई खिलवाड़ की बात नहीं है और अंडरवेस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी इन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों का मांग है कि बाकी का जो लोन्स पर हो इनका पैसा है 15% का ये तुरख वर्किंग के साथ इन लोगों को मिले मई 2016 तक। ये लॉकडाउन पीरियड का जितना हानि इन लोगों का हुआ है इसका पैसा इनका भरपाई लोग भी चाहते हैं सरकार से। COVID-19 से जुड़े हुए कुछ खबरें हम आपको देना चाहते हैं। डायरेक्टर जो है नेशनल फेलखेत का डैनियल फेरा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर कहा है कि इस वक्त COVID-19 के बारे में वो कहते हैं कि ये स्टेबल खसोंथे थे सूरीनाम देश में, कोई नए खफालन पॉजिटिव टेस्ट नहीं आए हैं और ज़्यादातर लोग ठीक हो गए हैं, लोग अच्छे होकर तंदुरुस्त होकर घर चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि जितना मात्र लिया गया था ये सब काम कर रहे हैं और यही वजह है क्यों डॉक्टर लोग और भी दूसरे लोग जो है डॉक्टर लोग मेडिसी जो है और स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि यह मात्र एकलन अभी नहीं हटाना चाहिए, यह मात्र एकलन जारी रहेगा। आपको पता है कि 2 हफ्ते तक प्रेसिडेंट ने संयम कहे हैं कि सभी मात्र एकलन और लॉकडाउन जारी रहेगा। इन लोगों को ये चिंता वाली बात ये है कि जो सीमा पर क्रेंसन पर होते हैं फ्रांस खोयाना की तरफ ओस क्रेंस पर, वहाँ पर इस हफ्ता ये खबर आई है कि बहुत से ऐसे पॉजिटिव टेस्ट हैं, ये सूरीनाम देश के धरती पर नहीं है लेकिन सीमा क्रेंस पर है। और दूसरा बात जो चिंता करने वाली बात है कि कैसे दूसरा ग्रुप जो है रेपात्रियांतन को सूरीनाम वापस लाया जाए।
फेरा ये कहते हैं कि वो ज़रूर इस पर काम कर रहे हैं। अगर अभी जो पहला ग्रुप आए हैं हॉलैंड से, ये सब अगर स्कैन करने के बाद, इन लोगों को देखभाल करने के बाद टेस्ट हो जाएगा और सभी लोग घर जाएंगे, तो फिर दूसरा ग्रुप सूरीनाम देश लाया जाएगा, ये वादा फेरा ने किए हैं। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध सोमवार को इनको ये खबर मिला है, ये खबर मिला है कि कुछ पॉजिटिव खतस्त जो फ्रांस गुयाना के खरेंस पर पाए गए हैं, जिनके पास ये कोरोना वायरस है। हम बात बता चुके आपसे, ये सूरीनाम खरोन खबीत पर नहीं है, सूरीनाम के ज़मीन पर नहीं है। तो इस पहले 12 खफालन के बाद हुआ है, उसके बाद 5 और बोट्स लीडन के बाद हुआ है, 5 और बोट्स लीडन के बारे में बात हुआ है। ये खबर सुनकर प्रेसिडेंट फैसला किए हैं, ये जो पार्शियल लॉकडाउन है ये जारी होगा 10 तारीख मई तक, 8 बार मई के 10 तारीख तक जारी रहेगा। सभी खसोंथेट मातृकलन भी जारी रहेगा, हाथ को धोना, लोगों से 2 मीटर की दूरी बनाए रखना और 10 से ज़्यादा लोगों को एकत्र होना, सामस खोलिंग, ये बिल्कुल मना है। ये सब मातृकलन जारी रहेगा। और भी ये कहा गया है प्रेसिडेंट के जरिए कि तपना होनी और लावा खबीत में मामला संभालने के लिए 20 अप्रैल के 30 तारीख से एक टोटल लॉकडाउन है नदियों पर, फीरन पर। हम बात करते हैं, मतलब ये है मरवेन, लावा और तपनाहोनी रिफीर पर, यहाँ पर एक टोटल लॉकडाउन है। फरकेर ओवर द रिफीर ये बिल्कुल बंद है, सिर्फ अकंट्रोलेड फरप्लासिंग मुमकिन है, अगर लोगों के निगरानी में, विशेषज्ञ लोगों के निगरानी में लोग वहाँ से गुजरना चाहते हैं या पानी पर लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, बोट से वहाँ पर लोग पास होंगे तो इन लोगों को इजाज़त मिलेगा। पत्रुयस जो है यहाँ पर ये बढ़ा दिया गया है और कड़ी नज़र डाला जाता है, तो इस पर लोगों को गौर करना है कि एक टोटल लॉकडाउन है नदियों पर, तपाना होनी मरवेन और लावा रिफीर पर। सूरीनाम देश में और दुनिया भर में ये खबर जो आई है, और ये बॉलीवुड से खबर आई है, इंडिया से खबर आई है, ये बहुत ही अफसोस का खबर है कि एक्टर इरफान खान, इनका वफात 53 साल के आयु में बीते हुए बुध को हुआ है। इरफान खान को लगभग 2 साल पहले इनके पास कैंसर पाया गया है, एक सेल्साम सोटफन कंकर, और ये कई दिनों से, लगभग 1.5 या 2 साल तक लंदन में इसका इलाज चल रहा था, उसके बाद वो वापस इंडिया आई है। लेकिन अफसोस कि इनका देहांत हो गया है, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इरफान खान जो है ये शुरुआत किए है टेलीविजन पर अपना जो एक्टिंग करियर जो है, करियर जो शुरू किए है, इसको बॉलीवुड में उतना नाम पहले नहीं मिला था। जब ये हॉलीवुड में फिल्म्स जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर 2008 में और लाइफ ऑफ पाई 2012 में बनाए हैं, फिर जुरासिक वर्ल्ड आई है 2015 में, काफ़ी नाम कमाए हैं, और उसके बाद बॉलीवुड में भी बहुत से ऐसे फिल्मों में वो काम किए हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर के वास्ते स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय कास्ट इन अ मोशन पिक्चर इन्हें मिला है। ये बॉलीवुड मूवीज पीकू, द लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम तलवार, 7 खून माफ और इनके आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम में काम किए हैं करीना कपूर खान और राधिका मदन के साथ। राधिका मदन इनकी बेटी का रोल अदा किए है। ये बहुत ही अफसोस के बात है ये कि ये आखिरी फिल्म जो इन्होंने बनाई है, इस फिल्म का प्रमोशन वो नहीं कर पाए क्योंकि वो बीमार थी। खान जो है, इरफान खान अपनी पत्नी स्क्राइबस्टर सुतापा सिकदार और 2 बेटे बाबिल और आयान को पीछे छोड़ गए हैं। ये अफसोस के खबर हम बुध के सुबह पाए हैं, लेकिन बीफे के सुबह एक ऐसा ही अफसोस के खबर के साथ हम सब जागे हैं यहाँ सूरीनाम देश में, जब ये खबर आई है कि बॉलीवुड का एक और लेजेंड और एक्टर ऋषि कपूर के हम बात करते हैं, इनका मृत्यु 67 साल सैफनन सस्तखियार के उम्र में मुंबई के एक हॉस्पिटल में भी हो गया है। ऋषि कपूर के बारे में हम आपको बता सकते हैं, रोमांटिक हीरो है,
कुछ सालों पहले का सैफ तख्तर यार का काफ़ी रोमांटिक मूवीज इन्होंने बनाए हैं और उसके बाद करैक्टर रोल वो शुरुआत किए हैं। ऋषि कपूर के पास लगभग 1.5 साल पहले भी कंकर ये श्लोक पाए थे, एक इसके पास ये बीमारी पाया गया था, कैंसर, ये ल्यूकेमी लिकोमिया इनको था। और ऋषि कपूर इलाज के वास्ते भी लगभग 1.5 साल तक अमेरिका न्यूयॉर्क में थे और बाद में वापस वो भारत देश आए हैं। तब से वो अपने तंदुरुस्ती को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, कभी वो हॉस्पिटल में थे और कभी हॉस्पिटल से बाहर। और पता चला है कि बुध को इनको आदम हारिंग्स प्रॉब्लम था, सांस लेने में दिक्कत हुआ था और इनके लोग हॉस्पिटल में दाखिल किए हैं जहाँ पर बीफे को इनका देहांत हो गया है। ये काफ़ी मशहूर हुए हैं अपना फिल्म बॉबी के साथ 1973 में, और बॉबी के बाद देर वॉज नो वे बैक फॉर ऋषि कपूर। बहुत से लोग इनका फैन थे और बहुत से लोग इनको पसंद करते थे। मशहूर मूवीज जैसे लैला मजनू, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज, फिल्म प्रेम रोग, फिल्म नगीना, चांदनी, हीना, ये वादा रहा, कपूर एंड सन्स और इनका आखिरी फिल्म द बॉडी में वो काम किए हैं। अपनी पत्नी नीतू सिंह और बेटा मशहूर एक्टर रणबीर कपूर और इनकी एक बेटी है रिधिमा कपूर को वो पीछे छोड़ गए हैं। बॉलीवुड के वास्ते एक बहुत ही बड़ा लॉस है, लेकिन पूरे दुनिया के वास्ते एक बहुत बड़ा लॉस है। ये दो मशहूर एक्टर्स जो है 24 घंटे के अंदर इन दोनों के देहांत हो गया है और दोनों के देहांत कैंसर के वजह से हुआ है। सराफीना एंटोइन तहियार आलिया सारा सोमवार को रेशा शोर्स जो है अफदेलिंग कैपिटल डेलिक्टन का इन्हें गिरफ्तार किए हैं। इनका हाथ था 48 साल का जितेंद्रा सोहन के कत्ल में। ये पता चला है, ये अपने बयान में बताए हैं, सराफीना एम जो है अपने जो प्रीतम था फ्रेंकी ये एनंतविन तहियार, इन दोनों ने ये प्लान बनाए थे। फ्रेंकी ये टैक्सी शोफर का नंबर सराफीना को दिए हैं, सराफीना इसको तार किए हैं इन्हें लेने के लिए। सराफीना को लेने के बाद ये लोग सो गए हैं फ्रेंकी को लेने को, और जब फ्रेंकी गाड़ी में बैठा है तो ये चाकू से इस टैक्सी शोफर सोहन पर वार किए है। जब इसका मृत्यु हो गया है तो इनका लाश जो है लोग मखनेसियम स्त्राक में गाड़ी से फेंक दिए है। ये सोहन के गाड़ी से दोनों वहाँ से भाग निकले थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ये फ्रेंकी ये को गिरफ्तार किया, और फ्रेंकी ये के गिरफ्तार के बाद सराफीना को भी पुलिस गिरफ्तार किए हैं। इस मामले में खोजबीन हो रहा है, अभी तक साफ तौर पर नहीं पता है कारण क्या है ये हत्या का। ये हादसा जो है, ये कत्ल जो है, यह मखनेसियम स्त्रात में हुआ है, और यह मखनेसियम स्त्रात में हुआ है जहाँ पर पंचघर के सभानेत्री यानिफर सिमोंस उसी आसपास में रहते हैं। एक पुलिसी अजेंट, एक सिपाही, पुलिसी अमतनार एर्स्ट क्लास निर्मल पवन सोमवार के रात को इनका एक हादसा हुआ है लक्ष्मण स्ट्रात में। 31 साल का ये सिपाही जो है, ये पता नहीं है कैसे कंट्रोल खो दिया है और हाउस अल्बर्टिन के आसपास जाकर एक बेतौन मस्त, उसके बाद एक एबीएस के मस्त से टकराया है। ये इतने बुरी तरह से घायल हुए थे कि इनका देहांत वहीं पर हो गया है। इनके लाश जो है परिवार को दी गई है, यह पता चला है। निवाहाफन के पुलिसी ब्यूरो पर यह काम करता था और कॉर्प्स एयर के साथ इनके दाह क्रिया या अंत्येष्टि क्रिया होगा। यह 21 फरवरी है इस साल के वास्ते। एक और ब्रॉमफिक्सर का देहांत यातायात फिरकेर में हुआ है, चंद्रिका प्रसाद अलगू 58 का यह ब्रॉमफिक्सर मंगर के शाम को ये हादसा हुआ है ओस्ट वेस्ट फरबेंडिंग इलाका कोमवेन में। पुलिस के खोजबीन से यह पता चला है कि ये नहीं पता है कैसे ये गाड़ी ये अपने ब्रॉमफिट्स के साथ रास्ते से हट गए हैं और जाकर वहाँ के नली में गिर गया है। ये घायल हुए थे बुरी तरह से और इनका देहांत भी वहीं पर हो गया है। चंद्रिका प्रसाद अलगू के देहांत हो जाने से फ्रकेश बारोमीटर त्वेंत तक पर आकर पहुँच गए इस साल के वास्ते।
आने वाले चुनाव 25 तारीख मई को जो होने वाले हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों जो इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, कुल मिलाकर 17 पार्टियों हैं जो हिस्सा लेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों हिस्सा लेंगे चुनाव में। इन लोगों को मौका था एक लॉट खींचने के लिए, लॉट खींचने के लिए स्तंभ बिलियत पर अपना जगह तय करने के वास्ते। तो ऐसा हो चुका है, सभी सेफ 3 पॉलिटिकल पार्टियां जो है इलाका परामारिबो, सभी इलाका के वास्ते, लेकिन इलाका परामारिबो का हम आपसे बताते हैं, लोग एक लॉट खींचे हैं और ये तय हो गया है कौन सी जगह पर लोग आएंगे। नंबर 1 पर स्त्री है, 2 पर SPR, 3 पर PL, 4 पर प्रो, 5 पर SDU, 7 पर DA91, 8 पर NDP, 9 पर VHP, 9 पर PALU है, 10 पर DU, 11 ABO, 12 VHP, 13 BEP, 14 VVD, 15 पर NPS है, 16 पर है HVB और 17 पर है DNV। ये फॉलो ऑर्डर है आने वाले चुनाव के वास्ते, जो स्तंभ बिलियत पर किस कॉलम पर, पहला कॉलम में स्त्री रहेगा, और ऐसे हम आपको जगह बताई है सभी पॉलिटिकल पार्टियों का। एक और ख़बर हम आपको दे दें कि अरमान सुंदर फरवरी में लोग इनको गवर्नर ठहराना चाहते थे सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम का, ये जारी नहीं हुआ है। अब ये पता चला है कि सरकार की तरफ से इनको बनूमिंग मिला है और ये मई की पहली तारीख से नया डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर डेट बलास्टिंग का, बलास्टिंग का डायरेक्टर इनको बैठाया गया है इन मई से। ये अब डायरेक्टर है, डायरेक्टर डायरेक्सी डेट बलास्टिंग का, और बलास्टिंग का डायरेक्टर अरमान सुंदर अब है इन मई से। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।